हेलो दोस्तों, आज के इस टॉप 4 एप्लीकेशंस के एपिसोड में आज हमारे पास है ये तीन जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, वो तीन लॉन्चर्स जो मैं आपको आज दिखाने चला हूँ। और आज ये ऐप्स का एपिसोड नहीं है, आज ये है लॉन्चर्स का एपिसोड। सॉरी, आज मैं बहुत ही लेट आ रहा हूँ क्योंकि दिवाली का सीज़न है, तो मैं शॉपिंग में बिज़ी था और आज मेरे को थोड़ा सा वक्त मिला है, तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, फटाफट से जो अगला मतलब जो पहला ही लॉन्चर है उसके तरफ चलते हैं। इसमें मैं आपको तीन दिखाने वाला हूँ लॉन्चर्स, तो देखते हैं पहला लॉन्चर कौन सा है। पहला लॉन्चर है दोस्तों ये नोवा लॉन्चर। ये आपको जो फ़ोन है जो आपका, उसको ये ज़रा सा न्यूगट जैसा ये दे सकता है, क्योंकि मेरे फ़ोन में जो आपको पता ही है मार्शमेलो में यूज़ करता हूँ। और इसमें जब भी मैं नोवा लॉन्चर लॉन्च करता हूँ तो इसमें बहुत कुछ मेरे को जो न्यूगट में फ़ीचर्स है वो मुझे मिल जाते। ओके, मैंने डिफ़ॉल्ट नहीं सेट किया है, तो इसमें ये आपको एक मूड है। ओके, तो उसमें दोस्तों पहले तो आपको ये डेस्कटॉप है, उसके बाद ये सब उसके हिसाब से आप यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हो। जो दोस्तों मेरे को एक एकदम खास इसका फीचर लगा वो लगा है जिसमें अपने फ़ोन को लॉक कर सकता हो या फिर ओपन कर सकता हो। देखिए, स्वाइप अप नन किया क्योंकि वो ऐप ड्रॉअर है स्वाइप अप के लिए। नीचे के लिए वो है डबल टैप स्क्रीन लॉक, डबल टैप यू स्वाइप अप का ये है, उसके बाद ये बाकी के हैं स्वाइप अप टू फिंगर्स। मैं अभी आपको दिखाता हूँ एक कुछ एक इसका ये करके। ओके भाई टू, ओके तो अभी समझो मैं यहाँ पे हूँ और मैंने ऐसा किया, तो देखा आपने, मैंने जस्ट दो फिंगर अप किए तो मेरा ये यूट्यूब चैनल अभी डाउन करता हूँ, तो आई थिंक ओके तो ये है। ओके, ये ओपन हो गया, तो फिर ऐसे है। उसके बाद दोस्तों ये कुछ इसका एक ख़ास चीज़ हुआ, इसके लिए मैंने इसे पहले स्थान पर रखा है क्योंकि ये सबसे एक नोट मतलब एक नोटिसेबल एक चीज़ है कि ये जो इनपुट करने के लिए आपको नोवा लॉन्चर प्राइम लेना पड़ेगा। एक नोवा लॉन्चर प्राइम प्ले स्टोर पर जाके नोवा लॉन्चर सर्च करेंगे तो बस आपको यही चीज़ें मिलेंगी। मतलब अगले लॉन्चर के तरफ चलते हैं, तो दोस्तों जो अगला लॉन्चर है वो है MIUI लॉन्चर। सुना MIUI लॉन्चर, ये आपको कौन से भी फ़ोन को आपको बस MIUI के इसमें ये कर देगा। देख सकते हैं आप अजय, अभी जो Redmi Note 4 है उसके जैसे उस वो जब भी मैंने लिया, अपने रिव्यू देखा नहीं रहेगा और देखा रहेगा आई थिंक सो, तो उसमें जो लॉन्चर है जैसे मैंने उसमें दिखाया नहीं था लॉन्चर कौन सा है, उसकी जैसे ही सेम आपको सब एप्लीकेशंस बाहर मिलेंगे, उसका लोगो भी सेम उसकी जैसे ही हो जाएगा। आप अभी यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स के देख पा रहे हो, उसके बाद क्लॉक का भी है, कैलकुलेटर का भी हो है, लेकिन दोस्तों बस ये एक स्क्रीन है। जो आपके अंदर के एप्लीकेशंस रहेंगे वो सेम वैसे के वैसे रहेंगे, जैसे कि सैमसंग का एक कैलकुलेटर, बस ये एक स्क्रीन चढ़ा दी जाएगी आपके होम स्क्रीन के ऊपर, ऐसा होगा। एकदम अच्छा लग रहा है, आपको बाकी कुछ ऑप्शंस नहीं मिलेगा, ज़्यादा ही कुछ नहीं मिलेगा। जैसे MIUI में बहुत कस्टमाइजेशन रहता है, Redmi Note 4 में जैसे बहुत कस्टमाइजेशंस है, तो फिर उसमें ये आपको नहीं मिलेंगे। ये बस एक लॉन्चर है इसलिए बस ये इसमें इतने ही मिलेंगे। तो दोस्तों फटाफट से चलते हैं अगले इसकी तरफ, मैं जस्ट होम बटन दबा दूँ। तो अब दोस्तों चलते हैं फटाफट से अगले लॉन्चर की तरफ, तो वो है इंडियन, आपने सही सुना इंडियन लॉन्चर। ये अपने इंडिया ने बना हुआ लॉन्चर है, मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल में बताऊंगा नहीं कि इसमें, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं है। आपको जो मैंने नोवा लॉन्चर में बताया सेम वैसे की वैसे ही है, और MIUI लॉन्चर का मिक्सअप है। तो दोस्तों अगर आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पे मेरे को जो मैंने इंस्टॉल नहीं किया वो भी एप्लीकेशन है। उसके बाद यहाँ पर भी साइड आप जो इसका ट्रांजेक्शन देख पा रहे हैं ऐसा है, वो भी MIUI की Redmi Note 4 में मैंने डाल चुका है मेरे पापा के फ़ोन में। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ एकदम फोल्डर्स में गए हैं सारे सारे अपने अपने एप्लीकेशंस, एंटरटेनमेंट में गए ये सब इतने सारे, बाद में गेम के तो अपने अपने गेम में चले गए हैं, बाद में ये लाइफस्टाइल का भी अपने अपने इसमें चला गया है। मतलब जो जो लॉन्चर है उसने सही से डिटेक्ट करके कि कौन सा एक अपना सोशल नेटवर्क है, कौन सा एक ये है, उसके बाद उसमें सब उसमें डाल गए। यहाँ पर अगर आप टूल्स में देखोगे तो टूल्स में आपको बहुत सारे मिलेंगे, ये रहा यहाँ पर अपने टूल्स को भी मिलेगा एप्लीकेशन की, तो उसके तरफ से उसने डाल लिया। और दोस्तों यहाँ पे आपको ऐसा स्वाइप अप नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको जस्ट मेनू बटन मिलेगा, और यहाँ पे ऐसे आपको क्लिक कर दीजिए
वो आपको मिल जाएगा, ऐसे है। और ये बस इतना ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, आपको वॉलपेपर्स मिलेंगे और जो कुछ एप्लीकेशन को मिलेंगे दोस्तों। तो ये एप्लीकेशन मतलब ये लॉन्चर्स मैंने आपको लिए, आपको इसके लिए दिखाया। अगर आपको आप रेडमी नोट 4 यूज़ कर रहे हो और आपका बस उसको हार्ड, अगर आपको रेडमी नोट 4 का बस हार्डवेयर पसंद आता है तो उसमें आप यही कुछ ऐसे ही कुछ यूज़ कर पाओगे, नोवा लॉन्चर जैसे उसमें तो MIUI ले रहे, इंडियन लॉन्चर्स वगैरह यूज़ कर पाओगे। तो ऐसे ही कुछ आप उसमें मैंने आपको ये कुछ लॉन्चर्स बताए रेडमी नोट 4 और जो MI वगैरह यूज़ करते हैं और जो मोटोरोला वगैरह यूज़ करते हैं, स्टॉक एंड्रॉयड जो यूज़ करते हैं उनके लिए मैंने ये कुछ लॉन्चर्स बताए। तो दोस्तों मुझे ज़रूर बताना आपको कौन सा लॉन्चर अच्छा लगा और आपको कौन से लॉन्चर के मिलेगा दोस्तों। ना ये क्या वो नोवा लॉन्चर प्राइम के लिए एक ये है, जो नोवा लॉन्चर प्राइम है वो पेड है तो आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। आई थिंक सो मैंने 180 रुपीज़ पेड किए थे उसके लिए, तो फिर वो अच्छा एक लॉन्चर थे, अच्छा एक लॉन्चर था। और मैं अब मैंने एक फ़िज़िकल भी मनी नहीं पे किए लिए थे गूगल रिवॉर्ड्स में से, यहाँ पे जो मेरे को कुछ पैसे मिले थे वहाँ से मैंने उनको पेड किया था। अब यहाँ पे देख पा रहे हो 77 रुपीज़ पेड किए। अगर दोस्तों ये आपको एप्लीकेशन का रिव्यू देखना हो, वीडियो में मैंने दिया है दोस्तों, अगर आपको ये देखना है तो ज़रूर देखिए। मेरे को पता नहीं, अगर मुझे मिला तो मैं आई बटन में ज़रूर दे दूँगा दोस्तों। थैंक यू देखने के लिए मेरा वीडियो, अगर पसंद आए तो लाइक करो और शेयर भी करो, अपने दोस्तों को बताओ जो रेडमी नोट 4 वगैरह यूज़ करते हैं उन्हें ये वीडियो ज़रूर बताना। और नीचे कमेंट करके बताना आप कौन सा लॉन्चर यूज़ करना पसंद करोगे कस्टमाइजेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।